और उसमें मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो रोहतक ज़िला है, रोहतक में एसपी साहब ने, एडीजी साहब ने ये सिस्टम उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है और सभी जो भी कंप्लेनेंट्स हमारे पुलिस में शिकायत करते हैं, चाहे वो फिज़िकली आएँ, एसपी ऑफिस आएँ, पुलिस स्टेशन में आएँ, या वो किसी और माध्यम से भी अपनी शिकायत पुलिस विभाग को, पुलिस स्टेशन में करते हैं, तो उसके बारे में उसके शिकायत करने के हफ्ते बाद, एक हफ्ते के बाद उनको कॉल करके टेलीफोन पे उनसे फीडबैक ली जा रही है, शुरू कर दिया गया है और इसके अच्छे नतीजे मुझे उम्मीद है कि आएंगे। जब हमें हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हमारे शिकायत करता, उनकी फीडबैक उनकी मिलेगी तो हम अपनी सेवाओं को बेहतर कर पाएंगे। एक बड़ी पहल रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये फैसला हमने किया है कि रोहतक को और एक गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेफ सिटी कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्लान करके और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रयास इन दो शहरों में करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद फिर बाकी सब जिलों में, बाकी शहरों में उसको रोल आउट किया जाएगा। उसी कड़ी में एक अच्छा काम ये किया है हमारे रोहतक पुलिस ने कि कुछ जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, पुलिस के भी हैं, रेवेन्यू के हैं, दूसरे विभाग हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, रिटायरमेंट के बाद समय भी है उनके पास और वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं सरकार के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ, पुलिस के साथ, तो ऐसे लोग वॉलंटियर्स जो हैं उनके अनुभव का पूरा फ़ायदा पुलिस को हो और हमारी जो ऐसे जटिल शिकायतें हैं जिनमें कोई लैंड का मसला है तो हमें रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड हमारे तहसीलदार हैं, कोई कानूनगो हैं, तो ऐसे लोगों की एक 15 लोगों को अभी जोड़ा है और उनमें और इजाफा होगा मुझे उम्मीद है। और इन लोगों की मदद से जो जटिल शिकायतें हैं उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा करके उनको सुलझाने का काम शुरू किया जाएगा।